नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीमों को कुचलने के लिए पाकिस्तान टीम ने घोषित किया खतरनाक प्लेइंग 11, जहां टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कहर मचाए हैं। तो दोस्तों, आप भी बाबर आजम और विराट कोहली में से किस खिलाड़ी को बेहतरीन मानते हैं, अपना रिकमेंड बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शुरू होने में अब 15 दिनों से भी कम समय का वक्त बचा है। दोस्तों, इस बीच पाकिस्तान टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान टीम में कई धुरंधर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और खास बात यह है कि हसन अली को लंबे समय के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी हो रही है, जबकि कप्तानी की जिम्मेदारी बाबर आजम के ही पास रहेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा यह सवाल था कि नसीम शाह पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे या नहीं, जो एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, यानी वह पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। हालांकि पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर इजमामुल हक ने अपने खतरनाक अंदाज में टीम का ऐलान कर दिया है और यह भी बताया है कि टीम की उप कप्तानी सदाब खान के ही पास रहेगी। हालांकि एशिया कप 2023 में मिली करारी हार के बाद सदाब खान पर लगातार सवाल उठ रहे थे। वे उस तरह का प्रदर्शन एशिया कप 2023 में नहीं दिखा पाए। इससे पहले खबर आ रही थी कि सदाब खान की जगह शाहीन शाह अफरीदी को नया उपकप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यह साफ हो गया है कि टीम का उपकप्तान सदाब खान ही रहेंगे। जबकि पाकिस्तान टीम उनमें से एक है जिसने काफी देर तक विश्व कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। वही दोस्तों, हसन अली की बात किया जाए तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी महामुकाबला साल 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। उसके बाद टीम से बाहर चले रहे थे, यानी एक साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हसन अली टीम में आए हैं। उन्होंने अब तक 60 मैच खेले हैं, इसमें 60 विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, उनका औसत 30 के करीब है और इकोनॉमी 23 के आसपास है। वहीं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 में अपना पहला महामुकाबला 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 इस प्रकार रहने वाला है। बाबर आजम कप्तान, सदाब खान उप कप्तान, अब्दुल्ला शरीफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, सऊदी शकील, सलमान अली आघा, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।